एक वीडियो लेके कि आपका पीसीसी का फॉर्म कैसे भरे। ठीक है, तो आज हम पीसीसी का फॉर्म भरेंगे, देखते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, चलो गाइस हम चलते अपने क्रोम ब्राउज़र पे, उधर जाके सिंपली सर्च करना है पासपोर्ट पासपोर्ट सेवा यूके, गो टू पासपोर्ट सेवा एट इंडिया एम्बेसी। और बेसिकली इधर हमको हमारी कंट्री चूज़ करनी है, किस कंट्री में हैं हम अभी। हम बेसिकली हम यूके में हैं, तो हम यूके चूज़ करेंगे। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है इधर, जो आपको पता नहीं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो आप प्लीज़ आप इनबॉक्स में चैट में मैसेज कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, मैं इसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, और उसको हम अभी उस पार्ट को स्किप करते हैं, हम जस्ट लॉगिन करते हैं हमारा पार्ट। ठीक है, तो जस्ट इधर पे हम हमारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड और एक डिटेल डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लॉगिन कर लेंगे। सो गाइज हमने लॉग इन कर लिया। ठीक है, तो अभी हमको पीसीसी की सर्विस चाहिए। ठीक है, इंडियन एम्बेसी से, तो हमको पीसीसी की सर्विस चूज़ करना है ये सारे ऑप्शन में से, या डिफरेंट टाइप के ऑप्शन होते हैं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट और भी या सारे ऑप्शन होते हैं जो भी आपको सर्विस चाहिए इंडियन एम्बेसी के रिगार्डिंग। सो यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम फॉर योर सर्विस। ओके, सो वी मूव ऑन टू आवर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमको सिंपली क्लिक करना है अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पेज ओपन होता है, या यूजुअली सेवन स्टेप्स है। ठीक है, देयर आर सेवन स्टेप्स यू नीड टू कंप्लीट विथ डिटेल्स एंड परमिशंस ऑफ रिगार्डिंग द पासपोर्ट सेवा। ओके, सो आपको वही बेसिकली पासपोर्ट में, जैसे आपने पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरा था वैसे ही उसके नियरली होता है ये सारी, उसके नियरली ये डिटेल्स होती है। ठीक है, तो हमको पहला है कि पर्पस ऑफ पीसीसी, आपको किस चीज़ के लिए निकालना है पीसीसी, किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है आपका पीसीसी। सो आपको मेक श्योर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो। ठीक है ना, तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, उसमें से आपको क्लिक करना है, चूज़ करना है, और आपकी कोई भी उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं होती है तो आप उसको अदर में जाके और टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको एम्प्लॉयमेंट और किसी और वर्क के लिए चाहिए आप यूके में, और किसी वर्क के लिए आपको पीसीसी चाहिए रिगार्डिंग, तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और वर्क परमिट चूज़ करना है। ये जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपकी पीसीसी में मेंशन होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वही चूज़ करें, अदरवाइज़ आपका पीसीसी किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम आगे निकलते हैं। फिर कंट्री, किस कंट्री की आपको लिए चाहिए, मीन्स कि आप किस कंट्री में हाल रह रहे हो उसी कंट्री के लिए चाहिए। ठीक है, तो रीजन कंट्री फॉर विच पीसीसी इज़ रिक्वायर, आप किस कंट्री के लिए आपका पीसीसी चाहिए, तो आपको बेसिकली जो आपको चूज़ करना है कि हमको यूके का चाहिए, यूनाइटेड किंगडम का चाहिए। ठीक है, तो हम यूनाइटेड किंगडम चूज़ कर लेंगे। हमको वर्क एम्प्लॉयबिलिटी मिनट्री के लिए चाहिए तो हम वो चूज़ कर लेंगे। फिर आपको पासपोर्ट नंबर लिखना है, तो आपको इधर अपना पासपोर्ट नंबर लिख लेना है। ठीक है, आपको जो भी पासपोर्ट नंबर हो आपका लिख लेना है। ठीक है, फिर आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिख लेनी है यहाँ पे जो भी हो। ठीक है, फिर आपका डेट ऑफ इश्यू, पासपोर्ट की कौन सी डेट इश्यू हुआ है वो भी पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो जो फोटो वाला पेज होता है उस पर आपको एक्सपायरी डेट, आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट वो वही मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको वही भी लिख लेनी है। फिर प्लेस ऑफ इश्यू लिखना है, तो आप
को पासपोर्ट का कहाँ से इश्यू हुआ है, ठीक है, तो वो भी लिख देना है जहाँ पे से इश्यू हुआ है, ठीक है, हम ऐसे लिख दे दें। और फिर फाइल नंबर लिखना है आपको कि आपका फाइल नंबर है वो आपके पासपोर्ट के एंडिंग में मिल जाएगा, पासपोर्ट के लास्ट पेज में जहाँ पे आपके मदर फादर आपकी वाइफ और हस्बैंड का नाम होता है उसी लाइन में बॉटम पे होता है पासपोर्ट में, तो आपको वही मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको वही पासपोर्ट नंबर डाल देना है, ठीक, फिर नेक्स्ट कर लेना है। फिर गिवन नेम लिखना है, गिवन नेम में मेक श्योर आप अपना और अपना फादर का नाम लिखिए, फिर लास्ट नेम में आपकी सर नेम लिखिए, ठीक है, तो हम अपना नाम लिख देते हैं, फिर अपना फादर का नाम लिख देना है जो भी हो, ठीक है, फिर आपकी सरनेम लिखनी है, ठीक है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है जो भी हो, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज और टाउन एंड सिटी, इसमें प्लेस ऑफ बर्थ में आपका नाम ऐसे ही लिखना है जैसे पासपोर्ट में हो, ठीक है, मतलब पासपोर्ट में कभी कभी सबका डिफरेंट टाइप से होता है, जब भी विलेज हो तो फर्स्ट विलेज आएगा, फिर उसके बाद टाउन का नाम आएगा, फिर उसके बाद सिटी हो जो भी हो आपको लिख देना है, ठीक है, आप कभी कभी लोग विलेज लिखाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखाते हैं, फिर कंट्री स्टेट लिखते हैं, ठीक है, उस सबका ऐसे भी लिखा हुआ था है। तो मेक श्योर आप वैसे ही लिख लीजिएगा। फिर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो सिंगल हो आप जो भी हो कर लेना है, और वो आपके फॉर्म पे लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको वो शो नहीं करेगा तो आपके पीसीसी में, ठीक है, और यहाँ सिटीजनशिप फॉर इंडिया बाय, आप जन्म से यहाँ पे सिटीजन हो आप इंडिया के तो बर्थ लिखना है, और डिसेंट हो मतलब आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है पर आप नहीं हो तो आपको डिसेंट करना है, ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेशनलाइजेशन, तो बेसिकली ये सब ये है कि आप इंडिया में रह के गए कुछ टाइम तक आपने इंडिया में रहे तो आपको किसी भी तरह की पीसीसी की रिक्वायरमेंट आई हो तो आपको यही चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर लिखा है, पैन कार्ड मीन्स पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट लिखी हुई है कि आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे डिटेल डालिए, ठीक है, आपका वोटर आईडी है तो ये डालिए, पर यहाँ पे इफ़ अवेबल ये लिखा है कि आपके पास हो तो ही डालिए, ठीक है, पर आपके पास है और नहीं है तो भी ये डालने के लिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अवेलेबल हो तो ही लिखना है, ठीक है। फिर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी जो भी हो वही लिख लेना है, आपके नॉट एम्प्लॉय हो तो नॉट एम्प्लॉय, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लिक करनी है, आप ग्रेजुएट है और अबो है तो ग्रेजुएट अबो करना है, फिर आप टेंथ पास और अबो है तो आपको टेंथ पास अबो करना है, ठीक है, तो हम 10 पार बहु है तो वही क्लिक कर ले। आपका आधार नंबर है, इफ़ जो आपके आधार कार्ड अवेलेबल है और आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो और यस क्लिक करना रहेगा, इफ़ तुम आप आधार कार्ड डालते हो तो आपको यस करना है नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। फिर सेव करके नेक्स्ट जाना है, ठीक है, सेव किए नेक्स्ट कर लिए, कुछ रह गया, हाँ हम इधर हमारी जो भी मेल जेंडर है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी सिटीजनशिप है वो उस पर क्लिक करेंगे, बर्थ है तो बर्थ है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर फादर गिवन नेम, देखो इधर लिखा है फादर गिवन नेम है, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, आगे आपको नहीं लिखा हुआ होता था पर आपको मेक श्योर आपको फर्स्ट नेम प्लस आपका मिडिल नेम साथ में लिखना है जहाँ भी गिवन नेम लिखा हो तो, ठीक है, फिर आपकी फादर की सर नेम लिखनी है, ठीक है, तो आपका फादर का नाम जो भी हो लिखना है, आपके दादा का नाम जो भी हो लिखना है, आपके फादर के फादर का नाम तो जो भी हो लिख लेना है, ठीक है, आपके सर नेम लिख लेनी है, ठीक है, फिर आपके मदर का नाम लिख लेना है, फिर उसके पीछे आपके फादर का नाम लगता होगा जिसका नाम लगता होगा फादर के नाम, फिर आपकी सर नेम लगानी है, ठीक है, फिर आगे जाके लीगल गार्डियंस एंड गिवन नेम है, तो ये ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़रूरत लगती है गार्डियंस का नाम लिखने का तो
तो फिर लिखेगा, अदरवाइज नहीं लिखना है, इतना ही दो नाम लिखना है ठीक है, कंपलसरी नहीं है ठीक है, तो ये दो नाम लिखो फादर के मदर के और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। तो हम हमारे फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, आ गए फिर, या एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल्स आती है, जहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है, जो भी आपके आपकी होम कंट्री इंडिया में जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वही डालना है ठीक है, तो आप कोई और डालेगा नहीं ठीक है, तो आपका होम और स्ट्रीट एड्रेस लाइन्स लिखना है ठीक है, तो आपको जो भी लिखना है लिख देना, जहाँ पे से हो वहाँ पे ठीक है, आपका पिन कोड डाल देना है ठीक है, टेलीफोन नंबर डाल देना है, ये टेलीफोन नंबर नहीं डालना है तो भी चलेगा ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना है जिसका ये मोबाइल नंबर, एक सॉरी ये मोबाइल नंबर आपको इंडिया में आपका जो भी रिलेटिव है उनका डालना है, कि आपकी पुलिस स्टेशन की इंक्वायरी के लिए वो लोग आपने जिसका नंबर दिया होगा उन पे कॉल जाएगा, तो आपको मेक श्योर आपको जो भी इंडियन आप रिलेटिव्स है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल, जो भी दो नंबर उनका देना कि जो इंडिया में है, और वो आपके लिए पुलिस स्टेशन जा सके या अभी पुलिस आपके घर पे आ सके फॉर वेरिफिकेशन के लिए ठीक है, तो आपको उनका नंबर डालना है ठीक है, फिर पुलिस स्टेशन चूज़ करना है जो भी हो, फिर आपको आपका विलेज ना पूरा एड्रेस डाल देना है जो भी हो ठीक है, फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है ठीक है, ठीक है, फिर या आपका ये अपनी अभी जब जिस कंट्री में हो आप, यूके हो, कनाडा हो, यूएसए हो, किसी भी कंट्री में हो आप, तो ये चीज़ आपको डालनी है कि कहाँ पे आप किस कंट्री में है ठीक है, तो आपको वही चूज़ करना है, हम यूनाइटेड किंगडम चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना है आप किस जगह पे आप अभी रह रहे हो ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हो सकती है आपका डोर नंबर हो, फिर आपका स्ट्रीट नेम हो, स्ट्रीट नेम होता है, फिर आपका कोई भी एरिया होगा, फिर और कुछ भी होगा, आपका पोस्ट कोड होगा ठीक है, फिर मोबाइल नंबर आपका, ये मोबाइल नंबर आप यूके का डाल सकते हो, कि आप जिस कंट्री में हो आपका वो कंटिन्यूस फोन आप नंबर आप डाल सकते हो, इफ़ कुछ क्वेरी हुई और वो आपके रिलीजन पे और आपके फैमिली को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और आपके कुछ रिगार्डिंग प्रॉब्लम आए तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है, तो आपको वो कांटेक्ट नंबर आपका डालना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, गांधीनगर डाल देते ठीक है, यहाँ पे आपके पिन कोड आ जाएंगे सारे, किसी भी को भी चूज कर लेना है ठीक है, पुलिस स्टेशन आ जाएगी, आपको जो भी चूज करना है चूज कर लीजिएगा ठीक है, फिर नेक्स्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चनरी आएगी अदर डिटेल्स के लिए, ये सारी कैश पे सबका कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए होगी सारी, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ़ यू इफ देर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेशन, आपके खिलाफ कोई भी पुलिस इंक्वायरी की आपकी कोई क्रिमिनल प्रोसेस, क्या क्रिमिनल में आप इन्वॉल्व है, आपके पे केस लगा है, ऐसा कुछ हो तो यस करना, नहीं हो तो नो कर लेना ठीक है, रिस्पेक्ट एन ऑफेंस
alleged to have been committed by pending before crime court in India. आपको कहीं भी इंडिया में क्राइम कब हुआ है? Has any warrant summon for appearance been issued in pending before court under a law for the time being forced. आपके पे कोई अपीयरेंस बिन इशू हुआ है? आपके पे वारंट को इशू हुआ है? नहीं हुआ तो नो करना है. हैज़ अ वारंट फॉर अरेस्ट बिन इशू बाय अ कोर्ट अंडर एनी लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स. आप पे कोई कोर्ट थ्रू वारंट इशू हुआ है? नहीं हुआ, नो. फिर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बिन कन्वेंट बाय अ कोर्ट इन इंडिया. Have you at any time during the period of the 5 years immediately preceding to the date of the application been convicted by court or in India for any offence involving moral triped sentence in respect there is an imprisonment for not less than 2 years. आपको कोई भी 2 साल की सजा और कुछ भी हुआ हो इंडिया में तो यस करना, नहीं हुआ तो नो करना, ठीक है गाइस. हमारा ही नाम आ जाता है, ये मेक श्योर आप सब कुछ वेरीफाई कर लिए. एप्लीकेशन नेम आ जाएगा आपका, इधर पूरा नाम सही से देख लीजिएगा, आपके फादर का नेम है और विथ पीसीसी रिक्वायर है, किस कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या आपके पासपोर्ट का नंबर क्या है, डेट ऑफ इश्यू मतलब आपके पासपोर्ट का इश्यू डेट कौन सी है, आपका प्लेस कहाँ पे इश्यू हुआ है आपका पासपोर्ट, ठीक है, और आपका फाइल नंबर क्या है, जो पासपोर्ट में हमने कहा था कि पासपोर्ट के लास्ट पेज पे होता है वही फाइल नंबर. देन 7th स्टेप है आपको नेक्स्ट करना है. आपका 7th स्टेप है कि आपका पीसीसी किस पर्पज़ पे, हमने सारे जो भी क्वेश्चन डाले हैं वो एक बार फिर से आपको यह शो करता है सारे के सारे एक साथ. आपको देख लेना है, आपको वेरीफाई कर लेना है, आपको आपका पासपोर्ट नंबर चेक कर लेना है. सो आपको बेसिकली रीचेक हो जाएगा सारी की सारी डिटेल की आपने कोई भी डिटेल मिक्स नहीं की है, ठीक है. तो आपको मेक श्योर आप सारी डिटेल फिर से चेक कर लेंगे और क्वेरीफाई हो सब कुछ चेक कर लेना दो दो टाइम्स, और आपने जिसका नंबर दिया है वो प्रॉपर हो सही हो वो भी वेरीफाई कर लेना कि जो इंडिया में आपको उधर आपके रिलीजन फैमिली उनको मिले पुलिस स्टेशन पे और वो आपके घर पे आए तो वेरीफाई हो सकता है, ठीक है. फिर आपको सारा अंडरस्टैंडिंग है, आपको जो भी डाला है उसको एग्री करना है. आप जहाँ से फॉर्म ये फिलअप कर रहे हैं उस जगह का नाम, एरिया और सिटी जो भी लिखना है लिख देना. मैं अभी लंदन में बैठा हूँ तो लंदन लिख लूँगा, फिर आपको सबमिट करनी है, ठीक है गाइस. ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ डिटेल ऐसी लिखी है, पर आपको अपने नाम प्रॉपर सब कुछ लिखना है जस्ट एज अ गाइडेंस. हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या चीज़ डालनी है, मैं इसी बेस पे आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दी है कि क्या क्या करना है, ठीक है. उसके बाद आपको सबमिट करना है, आपको अपनी सही सारी की सारी डिटेल एज पर पासपोर्ट डालनी है, ओके. कोई मिस्टेक नहीं करनी, देख के डालना है, नहीं तो आपको फिर से सारा फॉर्म और सारी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है. हाँ, और इसके बाद आपको VFS इंडियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ये इसको प्रिंट निकालनी है, आपका पासपोर्ट और आपके 2 पासपोर्ट साइज पासपोर्ट और 2x2 के फ़ोटोज़ और आपका BRP कार्ड और ये फॉर्म, ये 3 चीज़ आपको चाहिए PCC के लिए, 4 चीज़ चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज 2x2 के फ़ोटोज़ प्लस पासपोर्ट BRP कार्ड, आप UK में तो आपका BRP कार्ड कहलाता है जो बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट होता है वो कार्ड, प्लस आपका रेसिडेंट एड्रेस नो लेस देन 3 मंथ्स, मतलब वो पुराना नहीं होना चाहिए 3 मंथ से, ठीक है. तो ये चीज़ें चाहिए आपको, और आपको उसके बाद एप्लीकेशन आपको बुक अपॉइंटमेंट बुक करनी है जहाँ पे आप जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, ठीक है, इंडियन एम्बेसी में. उसकी भी एक अलग प्रोसेस होती है कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ठीक है, तो उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. फिर इसको सबमिट करते हैं. सो गाइज, आपने हम आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद आपको ऐसा मैसेज आएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके. आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है,
उसके बाद आपको क्या करना है वो हम दिखाते हैं। फिर आपको यहाँ पे होम प्ले यू कैन प्रिंट एप्लीकेशन फ्रॉम यूजिंग प्रिंटर एप्लीकेशन फ्रॉम बटन अवेलेबल एप्लीकेशन होम क्लिक हियर टू गो होम। यहाँ पे आपको होम पे जाना है। होम पे जाके आपको फिर से आपकी एप्लीकेशन देख लो। आपकी एप्लीकेशन आ गई, आपका नाम आ गया, किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है वो भी आ गया। ठीक है, आपको इसको क्लिक करना है, फिर आप इसे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप प्रिंट का ऑप्शन चूज़ करके उस पर क्लिक करके आप ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसमें से सेव करके पीडीएफ फाइल सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। प्लीज़ फॉलो गाइज। थैंक यू वेरी मच।